बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार, आदाब। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का स्वागत है। जैसे कि रौरमन से वादा कर रहे कि हम यही दिन और यही बेरा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होब, तो लेव हम नवा जानकारी के साथ आ जाए। तो आज कर जो जानकारी है, ये हम जानकारी लेकर ही सरायकेला से, और यहाँ का जो सफल किसान हैं उनका नाम है सुभाष महतो। मकिल जानकारी लेवे कर आगे हमारे देखब कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गव्य विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है मवेशी वितरण योजना। पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का करा सकते हैं निशुल्क जांच। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। संकर नस्ल के दुधारू गाय का वितरण का लाभ वैसे पशुपालक जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा संचालित दूध पथों के सदस्य हैं, साथ ही स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, युवा, शिक्षित, बेरोजगार, लघु उद्यमी और बड़े उद्यमियां ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 गाय या भैंस से लेकर 500 गाय या भैंसे तक अनुदान या बैंक ऋण पर लाभुक की योग्यता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं के बीमारियों और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और समय रहते उनका इलाज भी करा सकते हैं। राजधानी रांची के काके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निशुल्क जांच किया जाता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जाँच कराकर पशु की बीमारी जानकर उचित इलाज करा सकते हैं। वर्तमान समय में किसान यदि दलहनी फसल लगाने के इच्छुक हैं, तो वे अरहर की बुआई कर सकते हैं। अरहर के बेहतर उपज के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित अरहर के उन्नत प्रभेद बिरसा अरहर 1, उपास 120 और लक्ष्मी का चुनाव कर सकते हैं। बिरसा अरहर 1, उपास 120 और लक्ष्मी अरहर के ये प्रभेद रोग अवरोधी होते हैं, साथ ही मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है और विलम्ब से बुआई योग्य भी होती है। ये प्रभेद बुआई के 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाते हैं। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 15 से 20 क्विंटल अरहर की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, अभी खरीफ का समय चल रहा है और अरहर यहाँ का एक मुख्य दलहनी फसल है। अभी के समय में चूँकि जून में अगर लगाते हैं या 15 जुलाई तक अगर लगाते हैं किसान भाई, तो लंबी अवधि का प्रभेद लगा सकते हैं। लेकिन अब लंबी अवधि का प्रभेद न लगावें किसान भाई, अगर इसकी बुआई अगर करना चाहते हैं तो सितंबर तक करते हैं। लेकिन जो प्रभेद है वो लगभग 180 से 200 दिन वाला प्रभेद या 150 दिन वाला, 150 बिल्कुल अगर बहुत आगे तक बुआई करना है, सितंबर में करना है, अगस्त में करना है, तो किसान भाइयों को उपास 120 की बुआई करनी चाहिए। अगर अभी के समय में करते हैं तो बिरसा अरहर 1 या लक्ष्मी, इस तरह की वैरायटी जो लगभग 200 180 दिन की है, उसकी खेती किसान भाई करें। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जहाँ पर 2.5 फीट की दूरी हम रिकमेंड करते हैं जून में, वहाँ पर जुलाई में हम लोग 2 फीट की दूरी रिकमेंड करते हैं, और अगस्त में अगर बुआई करते हैं तो 1.5 फीट की, सितंबर में बुआई करते हैं तो 1.5 फीट की दूरी लाइन से लाइन में किसान भाइयों को बुआई करनी चाहिए। सब्जियों की खेती करने वाले कृषकों के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि वे रोग एवं कीटों के नियंत्रण के लिए जहरीली कीटनाशी के प्रयोग के बजाय नीम निर्मित दवाओं का प्रयोग करें।
साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए निकाई करें। सब्जियों को सबसे पहले तो उनको हम लोग लकड़ी का झाड़ है उस पर हम लोग चढ़ाएं, जमीन पर न रखें। साथ ही साथ अभी उसमें जब भी फूल आए तो उसमें बोरोन का जरूर स्प्रे करें, हम लोग 2% बोरोन का घोल बनाकर हम लोग उसको जरूर हम लोग छिड़काव करें। और उसमें अगर कोई समस्या ऐसी आती है, कोई पत्ती लपेटा कीट या कोई दिखाई देता है, तो उसके लिए इकालक्स क्यूनालफास 2 ml प्रति लीटर की दर से जो लत्तेदार सब्जियां हैं उसका हम लोग घोल बनाकर छिड़काव करें। और अगर कोई बीमारी की संभावना दिखाई देती है तो कोई भी फंजीसाइड का बीमारी की पहचान कराकर निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि पदाधिकारी के या कार्यालय में आत्मा से उसकी पहचान कराकर वो उसको उसमें दवा का इस्तेमाल करें। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चौहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा तकनीक कर बारे में पता लगलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम कर, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम मकदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो चलो विराम के बाद हमारे चला थी खरसावा और प्रखंड है गम्हरिया और पंचायत है चमारू और यहाँ का जो सफल किसान है इनका नाम है सुभाष महतो। भाई किसान तो खेती किसानी करबे करे ना, मकील
ये कुछ हट के अलग काम करत हैं। भाई का काम करत हैं? तो सीप कर खेती करत हैं। सीप जिके हमनी सितुआ भी कहें ना। तो चलो इकर बारे में जानकारी लेवत कि भाई इनकर सीप कर जो डिमांड है कहाँ कहाँ है और सीप कर ये कैसे खेती करें ना, और सीप में सीप कर जो मोती हुएला उकर में देवी देवता कर फोटो के छाप के मार्केट में सप्लाई करें ना, तो विशेष जानकारी ले चलो हमारे चला थी सुभाष महतो जी से जानकारी लेवा थी। अनाज सब्जियों और फूलों की खेती के बारे में तो हर किसान जानता है, लेकिन इन दिनों किसानों के लिए मोती की फसल मुनाफे का सौदा बनकर सामने आ रही है। आज के किसान कुछ अलग करने की चाहत के साथ मोती की खेती कर रहे हैं जिसमें उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के अंक में आप सबों का स्वागत है। ज्ञान विज्ञान और संचार क्रांति के इस युग में हमारे किसान नए नए तकनीक को सीख कर अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड के चमरू पंचायत में, जहाँ पे हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने सीप की खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम किया है। आइए इनसे हम जानते हैं कि सीप की खेती कब से कर रहे हैं, कहाँ से प्रशिक्षण लिए, इनकी बाजार व्यवस्था क्या है, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए इनसे हम जानते हैं। सुभाष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। सर, हम चमरू पंचायत का रहने वाला हैं। अच्छा, हमारे आपके हम गांव की बात करते हैं, तो जो सीप की खेती कर रहे हैं? सीप का खेती हम सर कर रहे हैं, आज करीब 11 महीना हो गया, और ये हम कलकत्ता से ट्रेनिंग लेके आए थे, और ट्रेनिंग लेके आके हम इसको ये कर रहे हैं। शुरुआत किए एक दो महीना तो लग गया सर, टाइम सामान जुगाड़ करने में, कोई मार्केट में तो उपलब्ध नहीं है, सब मार्केट में तो मिलता नहीं है, तो फिर हम जुगाड़ किए। इसमें हमारा साथ में एक हमारे दामाद जी हैं राजेश कुमार महतो, तो जेवियर्स स्कूल का टीचर हैं और वहाँ पर वो जॉब करते हैं, इसलिए टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर हम सीप की खेती की बात करें तो सीप जो समुद्र में होता है जी जी, लेकिन आप खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड के छोटे से गांव में, आपका डोहा में आप कर रहे हैं? हाँ, डोहा में। हम तकनीक के बारे में कौन बताया कि आप डोहा में खेती कीजिए? इसमें सर हम यूट्यूब में देखे थे, यूट्यूब में देखे कि इसका ट्रेनिंग एक छोटा सा टंकी में भी हो सकता है, टब में भी हो सकता है, पोलोथिन में भी हो सकता है, इसको जिंदा रहना चाहिए बस। अच्छा। इसको जिंदा सर्जरी करके इसको जिंदा रख दीजिए 14 महीना, ये कहीं भी हो सकता है, मरना नहीं चाहिए। कब से आप खेती में जुड़े हुए हैं? ये हम दो आपका 18 से लगे हैं। 2018 से एक साल होने को? हाँ, एक साल अभी 11 महीना हो रहा है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर हम वही इधर उधर काम कर रहे थे कंपनी सब में, एक बिल्डर के साथ में रहते थे, वो बिल्डर मुजफ्फरपुर ले गए, तो हमारा घर में थोड़ा दिक्कत हुआ, बच्चा लोग पढ़ रहा था तो हम जाने नहीं पाए, तो हमको बोले कि आप घर में रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आदमी कोई भी काम करता है तो कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा स्रोत जी 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 किसी को देख के करता है कि वो काम कर रहा है तो हम ना, हम यूट्यूब में देखे, यूट्यूब ही आपका प्रेरणा स्रोत? जी जी, हमारा शुरुआत तो यूट्यूब से हुआ कि हम ऐसा कुछ काम करके दिखाएं। खेती तो बहुत जान रहे हैं कि ऊपर से बारिश नहीं हो रहा है, पूरा खेत खाली है अभी इस साल, तो कुछ ना कुछ करके तो जीविका निभाना होगा। आगे पढ़ाई लिखाई कितने क्लास तक? पढ़ाई लिखाई सर मैट्रिक तक है। मैट्रिक तक जी। आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? आगे सर घर का स्थिति खराब। मोती या शिप हमेशा से बाजार की जरूरत रही है, ये देश के साथ ही विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। आज किसानों के लिए एक आमदनी का नया माध्यम बन गया है। आज पूरे देश में लोग मोती की खेती से जुड़ रहे हैं। हाँ सर, हम ट्रेनिंग तो कौन सा बात का ध्यान देना बहुत जरूरी? ध्यान देना पड़ता है सर कि पानी का टेम्परेचर गर्म ना हो, कोई ऐसा हमारे पास मशीन है उसमें हम ये नापते हैं, पीएच नापते रहते हैं, पीएच नाप के 7.8 7.9 होना चाहिए, पीएच उसका वैल्यू होना चाहिए पानी जी जी, तब आपका नहीं मरेगा। टेम्परेचर की आपने बात की तो टेम्परेचर कितना अनुकूल है सीप की खेती के? टेम्परेचर आपको वही आपका कम से कम वही 28-29 रहेगा तो ठीक है। अगर 29 डिग्री टेम्परेचर जी 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 तो ठीक है, अगर 40-45 हो जाएगा तो फिर पानी गर्म होता है तो ये हो जाएगा, उसका उत्पादन पर असर पड़ता है जी। हम देख रहे हैं कि आप डोहा में कर रहे हैं जी, आपकी स्थिति बताया कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके कारण खेती में जुड़े, तो सरकार के द्वारा कौन कौन सा सहायता आपको मिला है? डोभा हमको मनरेगा से मिला है, और हाँ मनरेगा से डोभा मिला है, और ऐसा खाली डोभा ही था, वो भी डोभा मेरा नाम में नहीं है, मेरा भतीजा है वी के सिंह, वो मछली छोड़ता है, तो हम बोला देखो बाबू तुम्हारा डोभा हमको दे दो, हम सीप का खेती करेंगे। सीप का खेती कर रहे हैं जी। सिप का अगर हम डिमांड की बात करें जी, सरायकेला जो है
रांची से थोड़ा सा दूरी पे स्थित है जी जी, तो इसको आप लोग कैसे इसको सब प्रोडक्शन कैसे करते हैं? प्रोडक्शन इसको सर सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके इसको टब में रखते हैं तीन दिन के बाद नेट में डालते हैं, उसके बाद में इसको ये करते हैं नेट में डाल के इसको फिर 14 महीना तक रखेंगे। लगभग 11 महीने से सुभाष जी सेब की खेती कर रहे हैं। सुभाष सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड के चमरू पंचायत के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ अलग करने की चाहत रखते हुए सेब की खेती का काम शुरू किया। वैसे तो हमेशा से हम यह जानते हैं कि सेब समुद्र में पाए जाते हैं, पर वर्तमान समय में इसकी खेती के नए साधन भी आ गए हैं। पहले तो हम कलकत्ता से लाए थे, कहीं जानकारी नहीं था, तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि नई मार्केट में सब मिलता है, तो फिर मार्केट में खोजबीन किए, तो फिर मार्केट से ला के इसको पानी में रखना पड़ता है कम से कम तीन महीना पानी सूट करने के लिए। उसके बाद में पानी सूट, मान लीजिए किसी को पानी सूट नहीं हुआ तो मर जाएगा, तो फिर जो जिंदा रहता है उसको फिर 2 दिन पहले निकाल के घर में रखते हैं टब में, तो उसका जो अंदर में कचरा रहता है वो सब निकल जाता है। फिर एंटीबायोटिक डाल देते हैं, एंटीबायोटिक में डाल के उसको दूसरा दिन हम लोग सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके उसको 3 दिन फिर एंटीबायोटिक में रखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को चाकू छुरी का काम है, किसी को लग गया है तो अब मर जाएगा, तो जिंदा जो रहता है उसको फिर नेट में डाल के ये करते हैं। तो कितने दिन में तैयार होता है? 14 महीना लगता है सर। 14 महीना जी जी। तो एक बार में कितना आप डालते हैं इसमें? एक बार में हम अभी तक हम 9000 डाल पाए हैं। 9000 डाल पाए जी सर्जरी करके। अच्छा, तो उससे कितना उत्पादन भी तक कितना हो पाया आपका? लागत हो गया है हमारा मोटा मोटी 260000 रुपया। 260000 जी। अच्छा, अब जब YouTube में आप बताया कि YouTube से देख के आप यहाँ पे सीखे, तो YouTube में जो बातें बतलाई तो उसको आपको करने में कहीं कोई परेशानी होता है? नहीं, हम फिर ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता चले गए ना। अच्छा, कलकत्ता से ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग का नहीं होगा। तो ट्रेनिंग में क्या क्या बातें बतलाई? ट्रेनिंग में हर चीज़ बताया कि ऐसे सर्जरी कीजिए, वो हाथ में पकड़ के सिखाया है, वो अपने एक दो ठो पहले करके दिखाया, फिर हम लोग धीरे धीरे किए। वहाँ काम करना पड़ा है, करीब 14 दिन हम लोग काम किए हैं उसके यहाँ। सर्जरी ट्रेनिंग पैसा दे के भी मतलब काम करना पड़ा है। अब ये बताया कि पानी का टेम्परेचर पानी इसमें होना चाहिए। जी जी। अगर हम अपने राज्य की बात करें तो यहाँ पे जो मानसून है कभी समय पे आता है कभी समय पे नहीं आ पाता, तो इसलिए डीप बोरिंग सरकार की तरफ से मिला है कि उसका लेवल घटने से उधर पानी चालू कर देते हैं। पारिवारिक स्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से सुभाष ने उच्च शिक्षा तो प्राप्त नहीं की, पर आज अपने इस काम के जरिए वे अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं। इस काम को करने की सोच के साथ, इस कार्य को पूरी लगन के साथ इन्होंने शुरू किया। मोती का खेती के लिए सावधानी सर, साबुन सोडा या कास्टिक कोई भी ऐसा ये है कि उसके लिए मतलब सावधानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नहीं तो सब मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो साबुन अगर कास्टिक सोडा है उसमें जाता है तो उससे क्या नुकसान क्या होता है? नुकसान उसका सर ये हो जाता है, पीएच वैल्यू ये हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, पानी ख़राब हो जाता है। आप तो सेब की खेती कर ही रहे हैं और डोभा में और क्या क्या काम कर रहे हैं? डोभा में सर हम मछली भी छोड़े हैं। हाँ जी। कौन सा? रुई कतलू जी। उससे कितना पैसा कमाए? उससे भी पैसा अच्छा कमाई होता है। अभी तो 160 रुपये किलो, 170 रुपये किलो हो गया है। अगर मछली पालन की बात करें तो मछली पालन के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान देना जरूरी है? मछली पालन के लिए सर उसको थोड़ा सा देना पड़ता है खाने के लिए, गोबर हुआ, खली हुआ, जैसे ये सब के लिए भी थोड़ा बादाम का खली दिया जाता है। कितना बादाम दिया जाता है सप्ताह में? वही 4 किलो 5 किलो। अच्छा सुभाष जी, ये बताइए जो एक डोभा देने सरकार जो आपको दे दिया जी, उससे क्या आपको और बदलाव, कितना बदलाव आप डोभा से कितना बदलाव? डोभा से बहुत बदलाव हुआ सर। इसमें हम 2-3 खेती करते हैं, ऊपर से घोंघा भी आता है, उसका भी हम लोग खेती करते हैं। तो घोंघा का खेती से क्या होता है? घोंघा मार्केट में बिकता है सर, 30-40 रुपये किलो है। उसका उपयोग क्या होता है? उपयोग आदमी खाता है सर को। जी। अच्छा, उसमें आँख का, जैसे आँख का रोशनी बहुत आदमी का दवा का रूप में खाता है लोग, जैसे आँख का रोशनी है, आँख का रोशनी को बढ़ावा देता है। एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर मोती का दाम 300 रुपये से 1500 रुपये होता है। आजकल डिजाइनर मोतियों को खासा पसंद किया जाता है, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। अभी बाजार तो हमारा इस बार का मार्केट तो कलकत्ता, जिसके पास ट्रेनिंग किए थे उन्हीं वही ले जाएंगे, इसलिए ले जाएंगे कि हमको उतना तो मार्केट का जानकारी नहीं था। अभी हमको खुद मार्केट को पता हो गया कि वहाँ सब डिमांड ज़्यादा है। कितना बेचते हैं?
ये एक ठो आपको कम से कम रेट 400 450 500, अगर ऐसे ज़्यादा होगा तो 600 700 800 1000 भी जाएगा। अगर लागत की बात करें, खेती की बात करें, तो लागत कितना लगता है? लागत इसमें एक नेट और एक सीप में लागत आपको वही करीब 30 से 25 40 रुपया लगता है। 400 500 आप इससे जी नफा कमाते हैं जी, तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यवसाय, बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, जो सीप के अंदर में जो मोती तैयार होता है जी, वो मोती कैसे तैयार होता है? वो मोती तैयार होता है सर, वो अपना जैसे उसको हम लोग डाल देते हैं तो पूरा अपना ये भर देता है, यही नेकलेस। हाँ, नेकलेस में डाल देते हैं जी, नेकलेस डाल देते हैं तो धीरे धीरे उसको ये सब कैल्शियम से भर देता है, उसको मोती का रूप बना लेता है। सुभाष जी बताया कि आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए आप यहाँ पे खेती में जुड़े जी। अब आपकी स्थिति में कितना बदलाव आया है? थोड़ा बहुत तो हुआ है, बहुत हुआ। अच्छा, जी तो बहुत सारे गाँव के लोग देखते हैं कि आप नया काम कर रहे हैं। हाँ, नया गाँव का लोग तो नहीं समझता है, गाँव का लोग सोचता है कि ये क्या कर रहा है, क्या झीनू सीप सब ला के ये करता है, क्या मछली छोड़ा है। हजारों आदमी पूछते रहता है कि भाई आप क्या करते हैं, क्या छोड़े हैं बोतल में, तो उसमें झिनुक है, हम लोग का देहात में झिनुक बोलता है, तो उसमें झिनुक है। तो धीरे धीरे अभी आदमी जो जानकारी आदमी है वो उसको पता चल गया कि ये सीप मोती की तैयारी हो रहा है। तो बहुत सारे लोग आपसे पूछने के लिए आते होंगे, चाहे वो भी करना चाहते हैं। हाँ, करना चाहते हैं। अभी तो सर वो बिना ट्रेनिंग के तो होगा नहीं, वो कम से कम 7 दिन ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? हमारा बेटा है, वाइफ है, माँ है, पिताजी सब है। तो आपके जो बच्चे हैं या कि पत्नी है, कितना सहयोग करती है आपके काम में? करता है, बेटा करता है। इसके अलावा और क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी में किस किस चीज़ खेती करते हैं? धान का, सब्जी का, पोल्ट्री फार्म किए जी। जीवन में कुछ करना और नई उमंग व नई सोच के साथ कुछ करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ करना तो साधारण बात है, लेकिन कुछ अलग करना प्रेरणादायक होने के साथ साथ नई पहचान देने का प्रतीक है। सुभाष जी जो पहले सुभाष जी के पास आए थे, हम लोग ने बताया कि सुभाष जी डोभा खुदवाइए, इसके तहत आपका काम भी मिल जाएगी मजदूरों को, और काम मिलने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी एक संपत्ति बन जाएगी, जो एसेट क्रिएट होगा उनकी संपत्ति होगी, उसके तहत उसमें मछली पालन करवा सकते हैं, बत्तख पालन करवा सकते हैं उसके तहत। तो सुभाष जी ने एक अच्छी संदेश लेके गए और उन्होंने एक सीप के जो है सिंचाई की खेती के लिए ये मनरेगा डोभा को चयन किया और बोला कि सर हमको डोभा बना दीजिएगा तो हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, इस तरह का मछली पालन के साथ सीप पालन भी कर सकते हैं। कितना बदलाव इनके जीवन में आया जब से सीप इनकी इनका जीवन में अभी खुशहाली थोड़ा थोड़ा आने लगी है, हमको लग रहा है कि इनका सोच बहुत आगे चल रहा है, बदलाव काफ़ी आ चुका है। अभी इनकी जीविका का सोच जो आगे की ओर बढ़ रही है और इनका कहना है कि हमें सरकार की तरफ से और कुछ भी योजनाएँ दी जानी चाहिए। जैसे इनका कहना है कि बड़ा तालाब हमको दिया जाए 200x200 का, तो हम लोग इनके भूमि संरक्षण के तहत इनके काम करवाने सोच रहे हैं कि इनको 200x200 का तालाब बन जाना चाहिए। और यह पानी की व्यवस्था के लिए विधायक निधि से एक डीप बोरिंग भी लगा दी गई है कि ताकि गर्मी के दिनों में पानी इनका बना रहे, चूँकि डोभा में गर्मी के दिनों पानी घट जाता है, सीप की खेती में इनकी दिक्कत आती है। नई राह मुश्किल और कांटों भरी होती है, लेकिन उसकी मंजिल सुखद और प्रतिभाशाली होती है, इस बात को साबित कर दिखाया सुभाष ने। हम लोगों को भी सुभाष जैसे किसानों से सीख लेकर उस कार्य को शुरू करना चाहिए जिसको हम पूरी लगन और मेहनत के साथ कर सकते हैं। एक कृषक हैं, सुभाष महतो उनका नाम है, उनको हम लोग 10 डोभा उपलब्ध कराए हैं और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो मोती की खेती कर रहे हैं, सीप कल्टिवेशन। और ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि 15 से 16 महीने के बीच उनकी आमदनी 10 से 15 लाख के बीच में होगी। और हम लोग देख रहे हैं, अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपने जो JSLPS के माध्यम से जो सखी मंडल है इस ज़िले में, हम चाहते हैं, हमारा प्रयास होगा कि हम उनका प्रशिक्षण वहाँ कराएँ। और जो सुभाष महतो हैं जो अभी खेती कर रहे हैं मोती की, उनको मास्टर ट्रेनर बना करके सखी मंडल के जो भी सदस्याएँ हैं, जो भी सदस्य हैं, उनका प्रशिक्षण हम कराएं ताकि इस ज़िले में लोगों की आय और अधिक बढ़ सके। बोलू ये जानकारी रोरे में के नवा लागलक नहीं भाई? नवा जानकारी तो हाले है, अगर रोरे में भी सोचा थी ईसन कुछ करे के तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक
दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या 834001। तो रोरेमन यह दिन और यह बेरा कृषि समाचार जरूर देखू, एक में नवा नवा जानकारी मिली। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।